Welcome to Heritage Public School online class. So open your book of English. Today we will do exercise of chapter 2 good habits. Exercise on page number 14 and 15. Let's start. So students, in today's class we will do exercise word power on page number 14. Okay? सो वर्ड पावर की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. रिंग द बॉल या बेल. रिंग द बेल. शट द डोर या फ्लोर. शट द डोर. कॉम योर हेयर और चेयर. किसको कॉम करते हैं, हेयर को या चेयर को. हेयर. ओपन योर Cook or book. Open your book. Next है match the words with the pictures. अब यहाँ पर shoes हैं, soap है, brush, bag and comb. So हमने यहाँ पर already match कर दिया है. You have to do the same. So brush already matched है. Shoes कहाँ पर है, shoes. Shoes. So हम इसको shoes के साथ match कर देंगे. Next है soap. सो हम सोप के साथ इसे मैच कर देंगे. उसके बाद वी हैव बैग. सो बैग को मैच कर देंगे. एंड देन एट लास्ट वी हैव कॉम. सो कॉम के साथ मैच कर देंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव बिगिन ईच सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं इन द बॉक्स. कौन से वर्ड्स हैं, लेट्स रीड इट. Wash, polish, pair और brush. So first में आएगा pair your nails. अपने nails को pair करना चाहिए. Brush your teeth. We should brush our teeth every day. Polish your shoes and wash your hands. Okay? Now come to the next page. अब यहाँ पर री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं. अब हमें क्या करना है, ये आपको ये दिख रहा है. डू नॉट को हमने क्या बना दिया, डोंट. डज नॉट को डजंट. एंड शुड नॉट को शुडंट. सो हमने कैसे इनको स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में किया. Do or not को हम don apostrophe comma ऊपर, जो apostrophe ये comma की तरह है ऊपर, इसे हम apostrophe कहते हैं. और उसके बाद हमने t लगा दिया तो ये बन गया do not का don't. उसके बाद doesn't, does और not की जगह हमने o को हटाकर ऊपर apostrophe लगाकर t लगा दिया. ओके, सो हम इनकी जगह पर ये यूज़ करेंगे. ओके, वी डू नॉट राइट ऑन वॉल्स. और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू नॉट की जगह डोंट. वी डोंट राइट ऑन वॉल्स. गुड बॉयज़ डोंट, डू नॉट टेल लाइज. गुड बॉयज़ डोंट टेल लाइज. अनु डज नॉट गो टू स्कूल. अनु स्कूल नहीं जाती है. अनु डजंट गो टू स्कूल. Does not की जगह हमने क्या लिख दिया, doesn't. She does not brush her teeth. She doesn't brush her teeth. You should not pluck flowers. You should not की जगह हमने क्या लिख दिया, shouldn't pluck flowers. You should not eat in the class. You shouldn't eat in the class. Okay, that's all for today. Now you have to do this exercise and this exercise. Exercise number 1 and 3 of word power on page number 14. You have to do in your English notebook. Okay? That's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.